जम्मू कश्मीर में सरकार एक तरफ दावा कर रही है कि कोरोना से निपटने के लिए हर भरसक प्रयास किया जा रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जा रहा है, लेकिन सच्चाई क्या है वो इससे बिल्कुल अलग है। और जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से आज एक सैनिटाइजिंग टनल जो है वो बनाई गई थी और उसके इनॉग्रेशन के लिए कितने अधिकारी जो है वो यहाँ पर पहुँचे हैं, कितना सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया है, वो सबकी धज्जियां किस तरह उड़ रही हैं ये देखने को मिलता है। क्योंकि इस वक्त अधिकारी, मेयर, डिप्टी मेयर सब इसमें मशरूफ़ हैं कि कौन जो है वो इसका क्रेडिट लेगा कि ये जो नया इन्वेंशन आया है, हालांकि देश के बाकी भागों में ये पहले से ही चल रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो होड़ लगी हुई है कि इसका क्रेडिट कौन लेगा। और उसके चलते जो धारा 144 लगी है उसकी धज्जियाँ पूरी तरह से उड़ाई गई हैं। बड़े बड़े काफिले में सारे अधिकारी यहाँ पर पहुँच रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा जा रहा। कुछ अधिकारी जो हैं वो पहले बिना मास्क के यहाँ पहुँचे, बाद में उन्हें मास्क लगाया गया, और जिन्होंने मास्क लगाया भी है डिस्टेंस बिल्कुल मेंटेन नहीं किया गया है। और एक तरफ जहां सरकार ये कह रही है कि उनकी तरफ से हर भरसक प्रयास किया जा रहा है, ये कोशिश की जा रही है कि इस कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सके, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा सके, वहीं जम्मू कश्मीर सरकार के तमाम आला अफसर जिसमें कि मेडिकल और हेल्थ एजुकेशन के फाइनेंशियल सेक्रेटरी और तमाम आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और किसी भी तरह की सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान ना रखते हुए मजाक जो है वो बनाया जा रहा है।